एक सतनामी समाज का जैतखाम है जो 3 वर्ष पूर्व गढ़ा था, वहाँ पर जबरदस्ती भगवा झंडा को गड़ा दिया गया। यहाँ पर जब से बीजेपी की सरकार आई है तो बेमेतरा विधानसभा और साझा विधानसभा के अंतर्गत अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर अत्याचार बढ़ गया है। ऐसे सरकार को तो अपना सत्ता पक्ष छोड़ देना चाहिए। FIR दर्ज कर लेते हैं उन लोग का, और हमारे समाज लोग FIR दर्ज क्यों नहीं करते हैं? ये करना चाहिए ना। अभी वर्तमान में स्थिति शांत है, नियंत्रण में है। खुश है तो भी खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। हम आज साझा विधानसभा में हैं और साझा थाने के बाहर खड़े हैं। साझा थाने के बाहर सैकड़ों की संख्या में सतनामी समाज के लोग थाने का घेराव करने यहाँ पहुंच गए हैं। कारण ये है कि आज से कुछ महीने पूर्व एक झंडा विवाद हुआ था, सतनामी समाज के जो जैत खान था उसमें से सफेद कलर के झंडे को निकाल कर किसी ने भगवा कलर का झंडा लगा दिया था, और इस बात का विरोध किया गया था सतनामी समाज के द्वारा और शिकायत भी की गई थी, लेकिन पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई कहीं ना कहीं फीकी नजर आई। इसलिए आज सतनामी समाज के जो लोग हैं वो भीमा जो रेजिमेंट है उनके द्वारा आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और बड़ा विरोध किया जा रहा है। आइए जानते हैं क्या कुछ मामला है। यहाँ पर जब से बीजेपी की सरकार आई है तो बेमेतरा विधानसभा और साझा विधानसभा के अंतर्गत अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर अत्याचार बढ़ गया है। मैं अपने भाषण में 2-3 मुद्दों को गिनाया, लेकिन आज हम लोग जो आंदोलन को लेकर बैठे हैं ये सुमई खुर्द में, सुमई कला गांव के अंतर्गत एक सतनामी समाज का जैतखाम है जो 3 वर्ष पूर्व गढ़ा था, वहाँ पर जबरदस्ती भगवा झंडा को गड़ा दिया गया था। उस विवाद को लेकर यहाँ पर आए हैं जिसमें दोनों पक्षों पर लड़ाई हुई और दोनों पक्ष थाना आए हैं, लेकिन थाना के द्वारा केवल एक ही पक्ष का FIR लिखा गया और हमारे पक्ष का FIR नहीं लिखा गया। इसको लेकर FIR को लेकर यहाँ पर आंदोलन पे आए हैं। कब का मामला है ये? ये है 29/3/2023। क्या हुआ था? 29/12/2023 क्या हुआ था? वहाँ पर भगवा झंडा गड़ा दिया था जबरदस्ती जैत खाम के समीप, वो मुद्दा विवाद का मेन मुद्दा था। FIR हुई है सुन रहा था अभी लोगों के खिलाफ। हाँ, वो FIR हमारे ही समाज के लोगों के ऊपर हुआ है, जबकि मैं विधिवत काउंटर FIR बनना था, लेकिन पुलिस प्रशासन किसकी दबाव पे काउंटर FIR नहीं बनाया ये मैं नहीं जानता। आप लोग के समाज की तरफ से किसी के नाम सहित शिकायत किया गया था क्या? समाज के द्वारा आवेदन दिया गया है, नामजद उसमें जैत खान को लात मारा है जिसमें धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना, सामाजिक उन्माद, एक्टोसिटी एक्ट और लड़ाई झगड़ा के तमाम धाराओं को उल्लेख करते हुए आवेदन दिया गया है। हमारा आवेदन विधिवत है, विधि संगत है, लेकिन हमारे पक्ष पे पता नहीं किसके दबाव पे है, चाहे शासन का दबाव है, प्रशासन का दबाव, लेकिन हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा, इसलिए आज हमें आंदोलन का रूप लेना पड़ा। कैसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है दलितों के साथ अन्याय हो रहा है? ये जग जाहिर है, भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र पे हो राज्य पे संविधान के हमला करता है, संविधान के कई जो जैसे कि प्रमोशन में रिजर्वेशन को काट दिया गया, जैसे हमारे आरक्षण को काट दिया गया, ये इस पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया जो SC ST के ऊपर जो अन्याय शोषण है इस पर तौर पर दिखाई दी जाती है। जब मैं सुन रहा था आप बोल रहे थे कि जो भगत सिंह बनता है उसको गोली खाना पड़ता है, आप ऐसा मोटिवेट भाषण दे रहे थे लोगों को। मैं शांति का प्रतीक की बात कर रहा था, वहाँ पर जो तलवार उठाते हैं उनकी हत्या हुई, इतिहास गवाह है, जितने लोगों ने तलवार उठाई है उनकी कहीं ना कहीं शहादत को हासिल किया, और जिन लोगों ने विचार उठाया आज उनकी विचार जिंदा है, मैंने विचार की बात की, और लड़ाई जो होती है तलवार से नहीं जीती जाती, लड़ाई विचार से ही जीती जाती है। आप लोग युवा लोग क्या कहते हैं? हम लोग चाहते हैं इस केस में काउंटर केस करें और समाज को न्याय मिले। आपका नाम बता दीजिए। मैं दिनेश चतुर्वेदी, प्रदेश अध्यक्ष भीम रेजिमेंट छत्तीसगढ़। कब तक चलेगा प्रदर्शन आप लोग का? जब तक हमारा FIR नहीं होगा हम यहाँ पे डटे रहेंगे, अगर यहाँ नहीं सुनी जाती तो हम फिर आगे SP कार्यालय के घेराव करेंगे, और अभी तो न्याय की पहली कड़ी है, ये आखिरी कड़ी तो नहीं, और अपना संघर्ष जारी है। करके प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी जिसके लिए आप लोग आज धरने पे बैठ गए? प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई हम लोग के ऊपर कार्रवाई नहीं किया गया, एक पक्षी कार्रवाई किया गया जिसको लेकर आज हम लोग थाना घेराव कर रहे हैं। अच्छा, क्या हुआ था उस दिन?
वहाँ दो समाज के बीच लड़ाई हुई थी जिसमें काउंटर एफआईआर होना था, वो नहीं हुआ। कौन कौन से समाज के बीच? सतनामी समाज और अन्य समाज है, साहू समाज से बिलोंग करते हैं। अच्छा। जी, और यहाँ की शासन प्रशासन को ये लगती है कि, और 80 और 20 की बात करती है, तो मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ की शासन और प्रशासन को, कवर्धा कबीरधाम जिले में भी धर्मपुरा कांड में 80 और 20 की बात कही थी कांग्रेस सत्ता सरकार ने, आज भी बीजेपी की सत्ता सरकार है तो 20 और 80 की बात करती है, तो 20 और 80 की बात करने वाली सरकार को हमने हराया था और ये भी बीजेपी की सरकार को हम हराएंगे। इतना क्रोध क्यों बीजेपी के प्रति? क्योंकि ये लगातार हमारे समाज पे अन्याय और अत्याचार करते आई है, हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ करते आई है, ऐसे सरकार को तो अपना सत्ता पक्ष छोड़ देना चाहिए। एक तरफा नियाय क्यों करते हैं? कैसे एक तरफा नियाय? जैसे कि इन लोग का है जो है एफआईआर दर्ज कर लेते हैं उन लोग का, और हमारे समाज लोग का एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करते हैं? ये करना चाहिए ना। अगर बंदूक उठाया कोई बालक दास ने उसको भी मरना पड़ाया, वाले भगत सिंह को भी मरना पड़ा तलवार उठाने वाले चंद्रशेखर। साथियों, हम कला काटने कटाने से नहीं डरते, लेकिन जिन महापुरुषों ने हमने विचार से चलने के सिखाया है हम उन महापुरुषों के भी वंशज हैं। हमारी लड़ाई बाकायदा शांति के साथ रहेगी, और अगर प्रशासन नहीं मानेगी तब हम कहेंगे जय जय सतनाम, जय जय सतनाम, जय जय सतनाम, जय जय सतनाम, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। नहीं किसी से भीख मांगते हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते हम अपना अधिकार मांगते। राष्ट्रीय मुर्दाबाद, 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 राष्ट्रीय मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरपंच को सूची देना था कि भाई वो प्रथम नागरिक है, ठीक है, उसने सरपंच को सूचना नहीं दिया। उसके बाद शासन प्रशासन है उनको सूचना दिया, राजस्व का भी मामला है और क्रिमिनल का भी मामला है, तो उन लोगों के द्वारा ना तो सरपंच को सूचना दिया गया, ना शासन प्रशासन को सूचना दिया गया, लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ पे लिया और सीधा पहुँच गया सामने जगह पे। ग्राम सुमई खुर्द में किसी बात को लेकर दो पक्षों के मध्य विवाद हुआ था, जिसमें एक पक्ष के कुछ लोगों के विरुद्ध चूंकि उसे चोट आई थी दूसरे पक्ष के व्यक्ति को सिर में, तो प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया था और दूसरे पक्ष के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई किया गया था, जमानत उभर किया गया है। किंतु एक पक्ष के लोगों की कुछ और मांगे हैं, उस उनसे यहाँ पर बातचीत किया जा रहा है और अभी तक जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है उसको पुलिस द्वारा की गई है, और यहाँ पर समझा कर लोगों को समझाइश देकर कि जो भी विधि सम्मत कार्रवाई किया जाना है सभी समझाइश देकर इन्हें समझाया जा रहा है, किसी प्रकार से कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न करें। अभी वर्तमान में स्थिति शांत है, नियंत्रण में है। सर, उनका आरोप है कि पुलिस नहीं, पुलिस जो है विधि सम्मत कार्रवाई कर रही है, दूसरे पक्ष के विरुद्ध भी उसमें बांड उभर की कार्रवाई की गई है, जिस प्रकार से जो भी तथ्य अभी तक सामने आए हैं उसके अनुसार ही इसमें पुलिस द्वारा एफआईआर किया जा रहा है और सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रो एंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 1800309161।